तो दोस्तों बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कितने मार्क्स वाले को दोस्तों इसके अंदर नौकरी मिल सकती है। कैटेगरी वाइज दोस्तों हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि 8,55,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और जिसके अंदर से 4,10,000 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हुए, यानी कि पास हुए हैं। इन 4,00,000 में से दोस्तों 4 गुना कैंडिडेट के लिए जो है सिर्फ बुलाया जाएगा, जितने वैकेंसी होंगी उसकी 4 गुना कैंडिडेट को, टॉपर्स जो होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हीं से पोस्ट प्रेफरेंस जो है वगैरह पूछी जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर आपका कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए, जो अपने को दोस्तों सर्वे के अंदर जो है निचोड़ निकल कर आया है कि किसकी मॉर्निंग के अंदर 1.5 नंबर इंक्रीज, यानी कि किसी के 2 नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, किसी का 1 नंबर कम भी हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर निचोड़ जो है ये निकल के आया कि 1.5 नंबर इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। इसी तरह दोस्तों इसका निचोड़ निकल के आया है 2 नंबर इंक्रीज हुए हैं। 22 की मॉर्निंग में दोस्तों 2 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, 22 की इवनिंग में 4 मार्क्स डिक्रीज हुए। तो यहां पर आप देखेंगे 22 वालों को दोस्तों 6 मार्क्स डिक्रीज हो गए टोटल, और यहां पर आप देखेंगे लगभग 4 मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो ऑल ओवर इंपैक्ट देखेंगे तो 2 मार्क्स जो है आपके पूरे रिजल्ट में जो है दोस्तों क्या हो गए, कम हो गए, नॉर्मलाइजेशन के कारण लगा लो या रोंग के वसन की वजह से लगा लो। ठीक है, जो भी आपके आंसर के अकॉर्डिंग बन रहे थे उससे आप जो है आपके 2 नंबर कम बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स जुड़े हैं या नहीं है, तो 55% ने कैंडिडेट ने कहा कि हाँ मेरे सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स जुड़कर आए हैं, और 44% कैंडिडेट 45% कहे हैं कि हमारे मार्क्स जुड़कर नहीं आए हैं, यानी कि इन्होंने क्लेम नहीं किए होंगे या फिर जो भी मैटर रहा है, इतने इतने कैंडिडेट को यहाँ पर सोशियो के मार्क्स मिले हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं 28%, फिर BCBA के 14%, EWS के 16%, BCA के 18% और SC के 19% कैंडिडेट जो है यहाँ पर, और बाकी ESM वगैरह जो दूसरी कैटेगरी बच गई। अगर मैं बात करूं जेंडर के बारे में 75% लड़के हैं और 25% लड़कियां हैं, यानी कि 3 लड़के हैं और 1 लड़की है, ये रेशो दोस्तों यहां पर निकल कर आया। 3 लड़के सिलेक्ट होंगे इसके अंदर और 1 लड़की सिलेक्ट होगी। ठीक है, बाकी आप पोस्ट फ्रेंड्स के टाइम आपको थोड़ी ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की तरफ। इस डाटा को हम समझकर दोस्तों कट ऑफ तैयार कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर 66 से ऊपर जो CET का स्कोर था आपका, ठीक है, जो 2022 में 5-6 नंबर को पेपर हुआ था, वहां पर दोस्तों आउट ऑफ 100 में से है ये 66 से ऊपर लगभग 27,000 कैंडिडेट थे, 68 से ऊपर दोस्तों 18,000 कैंडिडेट थे, 70 से ऊपर 11,000, 72 से ऊपर 6,500, 73 से ऊपर 5,000 और 74 से ऊपर दोस्तों 3,500, 75 से ऊपर 2,500 और 80 से ऊपर 350 कैंडिडेट थे। ये 150 के अंदर से मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं तो 5,800 वैकेंसी जो है अभी बताया गया है। ठीक है, हो सकता है ये 6,000 हो जाए क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज का चल रहा है। ठीक है, हो सकता है 6,200 हो जाए, बस यहां तक दोस्तों ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अब अगर मैं पिछली वाले की तरह ही बात करूं कि CET के जैसा ये जैसा CET का पेपर आया था वैसा ही ग्रुप डी का भी पेपर आया है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं बात करूं 6,000 कैंडिडेट, यानी कि 6,000 कैंडिडेट कहां पर बनते हैं, यहां पर 72 पॉइंट लगभग 5 पे लगा लो आप, 72.5 नंबर वाला जो है सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, CET के अंदर हुआ क्या था आपको याद हो तो मार्क्स दोस्तों मैक्सिमम के इंक्रीज हुए थे। ठीक है, किसी के 4 नंबर, किसी के 3 नंबर, किसी के 5 नंबर में इंक्रीज हुए, शायद एक ही शिफ्ट में जो है डिक्रीज हुए थे, बाकी सभी 3 शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज ही देखने को मिले थे। लेकिन ग्रुप डी में क्या है, ऑल ओवर इंपैक्ट क्या है, डिक्रीज हुआ है 2 नंबर। ठीक है, लेकिन दोस्तों ग्रुप डी का पेपर जो मैंने सर्वे के अंदर देखा कि जिसका CET के स्कोर था उससे थोड़ा सा काफी सारे कैंडिडेट का ज्यादा बन रहा था, यानी कि पेपर थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ईजी था। CET के अंदर 3,57,000 कैंडिडेट पास थे दोस्तों, यहां पर 4,10,000 कैंडिडेट पास हैं, यानी कि पेपर का जो लेवल है वो हल्का सा क्या कह सकते हैं हम, इजी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था इसलिए थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट 50,000 के आसपास ज्यादा कैंडिडेट जो है पास हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि 50,000 कैंडिडेट का डिफरेंस आया है टोटल 50,000 कैंडिडेट का डिफरेंस आया है। ये दोस्तों एक मोटा आंकड़ा है और इसी से दोस्तों आपको सब कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको बहुत समझने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि जैसे यहां पर 80 से ऊपर 350 कैंडिडेट हैं,
ठीक है। यहां पर दोस्तों 50,000 कैंडिडेट फालतू है, तो हो सकता है कि ग्रुप डी में ये कितने हो, 360 हो, ठीक है। 7,500/2,500 यहां पर क्या हो, 3,000 हो, या फिर 2,800 हो, इस ऐसे करके 73 यहां पर 5,000, यहां पर 5,500 हो, ऐसे ऐसे क्या हो, 70/11,000 यहां पर हो सकता है कि 13,000 हो, यानी कि जैसे जैसे ये डिक्रीज हो ऊपर की तरफ जाता जाएगा आंकड़ा, तो ये 50,000 दोस्तों यानी कि जिसके कम होंगे, यानी कि जहां पर 50 और 60 के आसपास होंगे वहां पर क्या होंगे, ज्यादा कैंडिडेट पास हो रहे होंगे, ठीक है। समझ पा रहे आप मेरी इस बात को, कि इसका ही सब कुछ रोल इसी का है दोस्तों, सब कुछ रोल इसका है, इस चीज के बेस के ऊपर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि इसके अंदर 50,000 कैंडिडेट का डिफरेंस आया है, वो क्यों आया है और किस लिए आया है। यहां पर आप देखेंगे कि भाई यहां पर आपके 73 से ऊपर 5,000 कैंडिडेट हैं, तो 50,000 कैंडिडेट पास हुए, यानी कि हो सकता है यहां पर ये कैंडिडेट कितने हों, 5,500 हों, हो सकता है 5,500 हो दोस्तों, हो सकता है यहां पर ये 5,400 हो और हो सकता है ये 5,800 भी हो जाए, ठीक है। तो यहां पर यानी कि ऐसा ऐसा आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये 8,000 हो जाए, ठीक है। तो इसी के बेस पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है ऑल ओवर सब चीजों को मिला करके, ठीक है। जनरल कैटेगरी की दोस्तों 73-74, यानी कि मैं तो कह रहा हूं आपको 73 वाला पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म है 74 वाला पक्का पास होगा, ठीक है। 74 से ज्यादा दोस्तों नहीं जाएगी, 74 से ज्यादा इसकी कट ऑफ जनरल की नहीं जा सकती जो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 74 से ऊपर सिर्फ 3,500 कैंडिडेट है, ये 3,500 कैंडिडेट दोस्तों ये 6,000 कैंडिडेट थोड़ा ना बन जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं, अगर ये 6 ऐसे तो डबल हो जाते तो ये 3.5 लाख की बजाय यहां पर 7 लाख कैंडिडेट जो है पास होते, उसी रेशो में यहां पर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस रेशो में ये वाले इंक्रीज होंगे उसी रेशो में ये वाला इंक्रीज हो, तो इस रेशो को दोस्तों इंक्रीज करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि 73-74 जो है कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ का एक लॉजिक होता है, आपने हरियाणा में जितनी भी कट ऑफ देखी होंगी वो शायद ऐसे की 74 जाएगी, 73 जाएगी, 75 चली जाएगी, 76 चली जाएगी, 70 चली जाएगी, 70 ऐसे आपको लिखते हुए देखा, लेकिन आपको इस तरह से समझाते हुए किसी ने नहीं बताया होगा कि ये कट ऑफ दोस्तों, मैं हर वीडियो में अपनी जो भी कट ऑफ रहती है उसके अंदर रीजन बताता हूं कि ये कट ऑफ आखिर क्यों रहने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने जो एनालिसिस किया है 71 बीसीबी की, ईडब्ल्यूएस की 70, बीसीबी की दोस्तों हो सकता है ये 70 भी चली जाए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने की संभावना लग रही है। बीसीए की 69, एससी की दोस्तों 67, ये दोस्तों ऑल ओवर 13,600 के आसपास ये वैकेंसी बन रही है, ठीक है। हो सकता है अभी 14,500 कैंडिडेट जो है भोपाल सिंह चेयरमैन जो अपने वो कह रहे हैं 15,000, देखते हैं वो फ्यूचर की बातें हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों अपनी ये कट ऑफ रहने वाली है। अपना टेलीग्राम चैनल दोस्तों यहां पर लिंक मैंने नहीं डाला, लिंक मैं डाल दूंगा HSCCET ऑफिशियल के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको हर चीज हर अपडेट मिलती रहेगी, और अपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अब दोस्तों कोशिश करेंगे इसके ऊपर रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहें, कुछ टाइम से इसके ऊपर अपडेट्स नहीं मिली थी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं दोस्तों, जो भी आपको चीज़ ये ठीक लगी गलत लगी, क्या है आपका विचार, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर करें। थैंक यू।